ਜੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋਨੂ ਸੋਨੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਐਸੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋ ਭਗਜਣੋ ਹਾਂਜੀ दरबार के अंदर जाने मत्था टेकने वास्ते क्योंकि जो असं पहली बारी साढ़े बिल्ला जी साढ़े भाई साहब की नाम बीरू जी क्योंकि कोई ना कोई जरिया हों इंसान को इंसान के नाल मिलने का देखो ये भगत साढ़े नाल जागरण से साउंड की सेवा करते हैं तो भगजना इन्हों का प्यार इन्होंने भगतों के नाल से कितना प्यार खिंच के लिया इंसान को जो पहली बार असं आए थे फौजी साहब ने इतने अरदास की थी मैं पहली बार ये दरबार देख के इन्होंने दसा सी भाई ये कोई ऐरा गहरा दरबार ना समझो एक तो होंगे ना किसी ने निशान साहब ला लिया मूर्ति रख ली है वो दरबार नहीं पुन्ना वाले दरबार है सच्चिया सरकार के हो सकता क्योंकि मैं इतिहास इन्ना पढ़िया नहीं इन्हों का हो सकता कि सरकार किसी समय के इतों की गेड़ा ला के गई गई हो क्यों दसूए शहर जो पांडवों को बनवास मिलया जिला 13वां साल से उन्होंने दसूए शहर के आ के कटिया से भगतो तो उन्होंने समय जो कैरवान की सरकार जिन्हों का राज से उस वेले कहते टोलते फिरते भगतो तो जेडे बाबा सिंध चरणों बली सरकार से यह दुर्योधन के हक के कुरक्षेत्र जंग लड़ने वास्ते तैयार हुए थे जितों कृष्ण महाराज को उसके दिल में हो गया कहिंदा मैं पांडवों के नाल इह कैरवां दे नाल सब तो बड़ी सरकार सी जिन्हां ने पताल दे विच जाके लत्ता सी भगतो जिहड़े पैर तो जिहड़ी इन्हां दी चोटी सी वह आसमान दे विच लगदी सी बोधी इन्नी लंबी सरकार सी उह छतियां जमां दा तड़ागा आ जिहड़े इक झोटे दे पाए देख लो कितना चम हुंदा इदा के छत्ती झोटिया का चम वह तड़ागा बनता है जो सरकार के आंदे से किन्ने एक योधे से कृष्ण को फिक्र पै गया इस गल का भाई जे वह योधा ना किसी तो मारिया गया हूं तो कैरवान सारा ही नाश करके रख लो कहते पांडवों का उन्होंने नाश कर लेना कहते कृष्ण महाराज ने ऐसी विधि रचाई 14 दिन सरकार के नाल युद्ध करते रहे घोर युद्ध करते रहे 14 दिन बाद फिर भी पेश नहीं गई की किया विष्णु भगवान के कोल चले गए विष्णु भगवान ने मोहनी रूप धार के उन्होंने घर आके उन्होंने मौत का जोड़ा जो भी विधि से क्यों उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को दसी हुई थी कहते मोहनी का रूप धार के विष्णु भगवान ने सारा छल के नाल उन्होंने मौत का कारण पूछ लिया फिर आगे कृष्ण ने दसिया वह तीर मारिया सरकार से जिस वे तीर उस जगह पर लगा तो सरकार कहते मोदे मूँह धरती से डिग पे पिछे नहीं डिगी पिछे मरण वाले लोग पिछे डिगते अगे नहीं कोई डिगता अगे वो डिगदा जोड़ा वो चरणों के लगा हो जो नाम सिमरन करता हो कहते तक जी सेंक घर लग जाती है भगतों ये भी उन्होंने समया तैयार हुई सी मेरी सरकार दत्तों कृष्ण महाराज ने सेंक ला दी सी मुंडे मुंडी के सेंक उतों तैयार हुई थी क्योंकि इन्होंने सरकारों दलों बातों बहुत अगे आ असं अंदर बहने असी सरकार नजर भर के किसी ने नहीं देखा ना इन्हों का रूप देखा है असी की देखते हैं तस्वीर लगियां असी दरबारों के जाने मंदिरों के जाने मसीतों के जाने जिथे भी जाने गुरुद्वारा साहब जाने उत्थे भी गुरुआं महाराज दीआं तस्वीरां लगियां होंदियां पर जदों
तस्वीर के नाल असी जाके गल करते हैं पर तस्वीर बोल दिया किसी के नाल नहीं, कि मर्जी अंदर बाजा मारी चलो नहीं बोल दिया। कहते ने यह बोल दिया उन्होंने नाल है जिहड़िया सच्चे हिरदे के नाल रूहां उहदे चरणां दे विच आ जांदियां। चरणां दे विच आण के जिस तरह बाबा जी की फोटो लगी है मूर्ति लगी है इस मूर्ति नूं नैणा दे विच वसा लैणा जिन्हें उहदे दर्शन करने नैणा दे विच वसा के ते भगतनों हिरदे दे नाल इहदा सिमरन करना पैंदा हिरदे दे नाल इहनूं याद करना पैंदा फिर इंसान के अंदर जिदा चिराग रोशन होंगे है ना दरबारा के उत्ते एदा एक चिराग रोशन होंगे इंसान के अंदर जिहड़ा नाम सिमरन करता सच्चे मन के नाल दरबार से बह के सत्संग सुनता जिहड़ा सत्संग दे विच इस तरह बैठना है इस तरह असीं इस मूर्ति दीआं गल्लां सुणनियां ने। कहिंदे जिस वेले वह चिराग रोशन हो जाता इंसान के अंदर एक शक्ति पैदा होंगी है उहदे विच जिहड़ा सरकार नूं मंनदा उहनूं सरकार नज़र आउंदी है जिहड़ा मां नूं मंनदा उहनूं मां नज़र आउंदी जिहड़ा बाबा जी नूं मंनदा उह बाबा जी नज़र आउंदे है जिदा ना इंसान का सिमरन आ वह कुछ जा नजर आता फिर वह इंसान वो गल करता वह अगे जवाब दिता क्यों ये मूर्ति जी बाहर लगी आ इंसान के अंदर भी लगी है। आओ दरबार से जाके मूर्तियों का सत्कार कि करना कि सरकार तो मंगना सुन तू भावे ना सुनदाता सुनदाता सुन तू भावे ना सुनदाता वो साजी फरियादे मैं कोई ते तो पहला सी हूं मैं कोई ते तो बाद क्यों फौजी साहब ने दसिया कि मैं निका हूं इतने आता रहा पर सानू पूरा इन्हों की विधि का नहीं पता सी इतने नमस्कार करने का नहीं पता हौली हौली सरकार ने आपे सोझी देती अपना कार्य आप सवारे देखो क्या बन गए क्यों एहदियां मौजां जिते सच हुंदा मंदिर मसीतां असीं बहुत देखते हैं कोई कितने ठट्ठा कोई कितने ठट्ठा यह बनता गया वो सरकार मेरा कर दी गई मर्जी रिपीट देख रखो जी रिपीट मर्जी कहते हैं वो मेरा करता गया इसी तरह हम मेरा करता जाना आओ सरकार के चरणों में टिका रहना।